नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। 30 सितंबर को पूरे देश में धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम इसी दिन लंकापति रावण का वध कर अपनी पत्नी को उसके कब्जे से छुड़ा कर लाए थे। रावण के वध से जुड़ी कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। विजयदशमी के अवसर पर रावण के बारे में कुछ चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च के अनुसार रावण का शव आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जी हाँ, इस रिसर्च में श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल की खोज की गई है जिनका रामायण से संबंध है। इस खोज में दावा किया गया है कि रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और उसका शव आज भी सुरक्षित है। ये रेगला इलाके में एक गुफा में सुरक्षित है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। ये तो सभी को मालूम है कि राम ने रावण का वध किया था और इसके बाद विभीषण को लंकापति का शव सौंप दिया गया था। रावण के मौत के बाद विभीषण लंका का राजा बन गया था और उन्होंने मंदोदरी से शादी कर ली थी, लेकिन रावण के अंतिम संस्कार की बात किसी को नहीं मालूम। ये खोज श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहाँ के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में रामायण से जुड़ी कोई बात निकल कर आई हो। इससे पहले भी कई बार वहाँ अशोक वाटिका और भगवान हनुमान के पैरों के निशान देखने की बात कही जा चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइफस्टाइल से जुड़ी और बातों को जानने के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई।